वी आर बैक दोस्तों, एक और वीडियो के साथ। और बहुत ही बढ़िया न्यूज कल आया है कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रॉयल रंबल में रिटर्न आने वाले। हमें पता ही था कि रिटर्न आने वाले, पर कब आएंगे ये नहीं पता था यार। मुझे लगता है कि सरप्राइज देना चाहिए था रॉयल रंबल में, सरप्राइज रिटर्न। पर ठीक है, WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, तो हम आज रॉयल रंबल खेलेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा रॉयल रंबल हारता हूँ, इसीलिए दोस्तों बेबी स्टेप से शुरुआत करेंगे। आज मैं सिर्फ 10 मैंस को लेके खेलने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैचेस हार रहा हूँ तो अपनी बेइज्जती नहीं करानी। इज्जत वाली मैं 10 सुपरस्टार्स को लेके खेलेंगे और देखेंगे कि क्या हम जीत पाते हैं या नहीं। 10 सुपरस्टार में क्या ही चेंज करूँगा यार, एच को भी निकाल देते, रॉक को भी निकाल ही देते यार। जॉन सीना को रखता हूँ। कोडी रोड्स के अपोनेंट्स कौन है यार? बॉबी लैशली तू आजा, चल ब्रॉक लेसनर सर आ जाओ। एक मिनट, कुछ मेन मेन सुपरस्टार्स को लेता हूँ, ग्रेट खाली नहीं। एक मिनट, फिंड आ जा तू, रिटर्न आया ना, जो भी रिटर्न आते हैं उनको ही लेता हूँ मैं सिर्फ हाल फिलहाल। रोमन रिंग्स को ले लेता हूँ और सेथ रॉलिंस, ठीक है। रोमन कहाँ पर? अरे पॉलेमन, पॉलेमन को ले लेते यार। रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस, अच्छा अभी भी जगह है। रिडल आ जा, रॉक सर आ जाओ। रॉक तो पहले से ही थे, हाँ ये ठीक है। कस्टम रूल्स में जाके इसे 30 सेकंड रख दो, इसे 3 फिनिशर। तो दोस्तों शुरू किया जाए मैच। और रॉयल रंबल में ज़्यादा हारता हूँ, इसीलिए सिर्फ आज 10 मैन लेके ट्राई करता हूँ कि क्या आज मैं अपनी इज्जत बचा पाऊँगा या आज भी हारना ही है मेरे को, ठीक है। कोई आइडिया नहीं है, मैंने लिया है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और भाई रिटर्न आने का न्यूज़ आया तो जीतना ही है ना, इसीलिए अगर मैं 10 प्लेयर लेके हार गया तो भाई क्या ही कर सकता हूँ। ओहो नंबर वन देख रहे हो भाई, सेथ रॉलिंस को ही आना था नंबर वन। जब कोडी रोड रिटर्न आए थे लास्ट टाइम, तब सेथ थे उनके राइवल। ये ले तो दोस्तों अपना 3 फिनिशर बहुत ही आराम से यूज करना है मुझे, क्योंकि बाद में जो भी 8 सुपरस्टार जो आने वाले, बहुत ही धुरंधर सुपरस्टार रहने वाले वो लोग, तो मुझे औकात से खेलना होगा, फिनिशर वेस्ट नहीं करना। अरे भाई खींच कर मार रहे हैं। नंबर 3 में आ रहे हैं मैट रिडल, देखो मुझे फिनिशर पड़ा। अरे मां कसम मैं स्टंट हो चुका हूँ। रिडल बचा, रिडल अरे ये बाहर कर देगा। रिडल क्या कर रहा है, पागल है क्या? अरे रिडल क्या कर रहा है? भाई कुछ नहीं देखा किसी ने, वापस किसी ने कुछ नहीं देखा भाई, किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा था दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले रॉयल रंबल कोडी रोड्स को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि कोडी रोड्स रिटर्न आने वाले। आपने अगर इंस्टाग्राम देखा होगा WWE का, तो उन्होंने पोस्ट किया था कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल में रिटर्न आने वाले। तो ठीक है हम अभी से वीडियो स्टार्ट करेंगे, किसी ने नहीं देखा पहले क्या हुआ, ठीक है यार। कसम से बेइज्जती कर रहा था यार। अरे माँ कसम कोडी रोड्स को लेके मैं जब भी खेलता हूँ क्या होता है मेरे साथ। कल मैंने एलिमिनेशन चेंबर खेला, कसम से भाई नंबर 1 में एलिमिनेट किया, नंबर 1 में। मैं आज तक कभी रॉयल रंबल में नंबर 1 या ही कभी निकल तू तो। अरे बच गया भाई, अगर क्लोज लाइन मारता ना तो मैं अपना बाहर होता वापस। दोस्तों अगर आपने कल का रॉयल रंबल वीडियो नहीं देखा है ना, जाके देख लो। ब्रॉक लेसनर ने मुझे नंबर 1 में ही एलिमिनेट कर दिया, जैसे अभी सेट ने किया था। वापस रिडल नंबर 3 में आया, यानी कि वो सब सेम है, जो भी रिटर्न मतलब जो भी नंबर में आने वाले। पागल एक स्टाइल मार रहा रॉयल रंबल में। सॉरी 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 सर, अरे सपो लेके भांजे। अरे कितना मारेगा एक दिन में, थक नहीं जाता? ये दोनों देखो लड़ ही नहीं रहे एक दूसरे से यार। कसम से 10 लोगों में मेरी हालत इतनी खराब है, अगर मैं 30 लोगों को खेलूंगा मेरी तो फट जाएगी भाई, फट के हाथ में आ जाएगी। इससे एक और स्टंप मार रहे रिडल को, द हेड ऑफ द टेबल आ रहे है। इसे बाहर किया जाए यार, वरना सबका मैच खराब करेगा। चल अरे यार देखा, रिवर्स कर दिया फिनिशर। हाँ रोमन तू भी मार ले मेरे को, हाँ सब मारो भाई, खेलो सब मिलके मेरे को। पता नहीं तुम लोग का क्या बिगड़ा है, मैंने मेरे को क्यों मारते रहते हो भाई।
एक तो पहला मैच इतना बुरी तरीके से निकाला, सेठ ने मुझे लात मार के निकाला है। अरे रोमन तू भी रिडल को लात मार के फेंक दिया सेठ ने। सेठ और रोमन तो लड़ेंगे नहीं। अच्छा शील्ड ब्रदर्स टूट गई। ओ भाई नंबर पांच देखो कौन आ रहा है, पॉल हेमन। रोमन रिक्स के स्पेशल काउंसिल आ रहे हैं और मैं पॉल हेमन को मारूंगा। अरे लैग क्यों हो रहा है, लैग मत हो। हाँ ठीक हो गया। अरे रोमन 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 सर स्टंट हो। अरे यार स्टंट थे पर अभी देखा गलत इंसान से पंगा ले लिया। डरता नहीं हूँ मैं रोमन तेरे से। रुको मैं पॉल हेमन को मारूंगा यार। पॉल हेमन के कपड़े देखो यार, कसम से क्या कपड़े ये भाई। अगर पॉल हेमन ने मेरे को निकाल दिया मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट मार दूंगा। अरे सॉरी गलती से मुंह से निकल गया सॉरी। नंबर छह फिंड ब्रे वाइट। भाई इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे ये आदमी निकालेगा। नहीं भाई उतने ही बुरे दिन है मुझे लगता है। पॉल हेमन इज्जत का सवाल है यार, तू के आज खेलेगा वापस कल तेरे को मेरे साथ ही खेल रहा है। यहाँ पे मेरी यूट्यूब फैमिली क्या कहेगी कि क्या हो गया तेरे को, पॉल हेमन से बाहर निकल रहा है। ये पड़ा लात, मैं इन सभी से मार खा चुका हूँ पता है। एक रिडल था उससे भी मार खाया था। ये देखो मुझे बाहर। अरे पागल है क्या साले सेठ, पागल है क्या। नंबर सात में द ऑलमाइटी बॉबी लैशली, यानी कि एक बार ब्रॉक लेसनर रहेंगे और जो कौन कौन था यार मेरे को याद भी नहीं कौन कौन था। अरे वो रोमन सर। ओ भाई बॉबी लैशली देखो, बॉबी लैशली उठा उठा कर फेंक रहे। सिग्नेचर क्या है यार, अपना फिनिशर मुझे बचाना होगा। एक फिनिशर वेस्ट हो चुका है पहले। आया भाई लैशली तू भी मार ले। अच्छा रॉक मेरे ख्याल से अंडरटेकर है और अरे रोमन ये सब रोमन क्या मार रहा है भाई, पॉल हेमन को रोमन मार रहा है। अरे और रॉक सर सॉरी बच गया भाई। रॉक सर आपको भी मेरे से प्रॉब्लम है, ये लो बाहर जाओ। चलो किसी को तो बाहर किया। आजा लैशली आजा लैशली। दौड़ के भी मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता पता है, ये लोग रिवर्स करेंगे मैं बाहर हो जाऊंगा। शायद ब्रॉक लेसनर आएंगे। अच्छा जॉन सीना उसके बाद ब्रॉक लेसनर भी है, यानी कि लास्ट सुपरस्टार आने वाले द बीस्ट इनकॉर्नेट जिन्होंने मेरा रॉयल रम एलिमिनेशन चेंबर गंदा किया था पूरा। जॉन सीना आते ही स्टाइल मार रहे। भीड़ बहुत जम चुकी है यार, इस सेट को पहले निकाला जाए, बहुत टाइम से है ना ये। दौड़ के करूँ एलिमिनेट रिस्की है पर सेट को शायद मैं ऐसे ठेलूंगा तो भी बाहर हो जाएगा वो। अरे नहीं हुआ यार सेट। ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं यार, फट रही है मेरी क्योंकि पिछला कल ही मुझे ब्रॉक ने धक्के मार के निकला था। 10 सुपरस्टार में ना उतना मजा नहीं है। पॉल हेमन पॉल हेमन पॉल हेमन पॉल हेमन पॉल हेमन। अरे पॉल हेमन के ऊपर टारगेट ही नहीं गया वरना मैं भी पॉल हेमन को बाहर निकाल देता। लटक रहे थे पॉल हेमन। ब्रॉक लेसनर दूर रहो मेरे से। हाँ बॉबी लैशली को मारो, आपका लेटेस्ट विक्टिम है वो रियलिटी में। ओ पॉल हेमन शर्म आता तेरे को, इतने पता नहीं क्या कपड़े पहन के आ गया। निकाल दो ब्रॉक लैशली को निकाल दो। जॉन सीना और रोमन का लफड़ा चालू है और सेथ रॉलिंस फिंड का, यानी कि सभी जो रियल में राइवलरी हुआ है ना उन सभी का लफड़ा चालू है। आपको तो पता ही है सेथ और फिंड का राइवलरी। ओ सेथ सॉरी फिंड, देखो मास्क निकाल दिया मैंने, इस भूत को बाहर फेंका जाए। ये ले लात खा, जा अपने फायर स्लैप फन हाउस में जाके लड़। सेट आपका टाइम हो गया है, बहुत टाइम से आप हो मैच के अंदर। देख रहा भाई पॉल हेमन लैशली को उठा उठा कर फेंक रहे। शी लैशली शी। रोमन ने बाहर फेंक दिया जेसी को, बहुत ही बुरी तरीके से रोमन ने जॉन सीना को एलिमिनेट किया है। अरे ये सेट तो जा ही नहीं रहा यार, मैं पॉल हेमन से लड़ता हूँ भाई। ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को मार। अरे वो ब्रॉक लेसनर, अरे कौन बाहर हो गया। अरे सेट को भी बाहर करते हैं रोमन ने। रोमन गॉड मोड एक्टिवेट कर चुके हैं। जॉन सीना सेट
अरे यार अभी देखो ये ऐसा मारेगा मेरा हेल्थ पूरा चले जाएगा। नसीब ये लो, मैं सिग्नेचर मारूंगा। अगर मुझे ब्रॉक लेसनर सिग्नेचर मारते तो हेल्थ तो छोड़ो मेरा स्टंड हो जाता जैसे पिछले बार हुआ था, याद है ना, सेट में स्टॉप मारा और मैं स्टंड होके बाहर हो गया। ओ भाई ब्रॉक ने स्पीयर रिवर्स किया। ओ पॉलेमन मुझसे लड़ेगा, आजा कोपचे में आ। अरे इज्जत नहीं है कसम से। सोचो यार अगर ये रॉयल रंबल, अरे यार मैं स्टंड हूँ, मैं बोल रहा हूँ सोचो ये मैच पॉलेमन जीत गया भाई, कसम से सबसे बुरा दिन रहेगा मेरा जिंदगी का। नहीं मेरे को रिकवर नहीं करना, अरे पॉलेमन मेरे को रिकवर नहीं करना था। नहीं 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 बच गया भाई, फिनिशर मार रहा था। हाँ ब्रॉक लेसनर को मार, इतना घटिया फिनिशर है पॉलेमन भाई, कोडी रोड सा सबको मार रहे। बॉबी लैशली दूर हो जा प्लीज, नहीं स्टंट नहीं, अरे प्लीज भगवान के लिए छोड़ दे रोमन, अरे यार छोड़ दो प्लीज। हाँ इतना मारना है बार पर, बाहर मत फेंक। बॉबी लैशली पागल है क्या, बीच में आके फिनिशर दे के चलेगा। अरे रोमन को क्या दिक्कत है भाई, ये देखो भाई यही देखना बाकी था, रोमन और ब्रॉक लेसनर का टीमिंग अप। रोमन कसम से पागल हो चुका है, पहले जॉन सीना सेथ रॉलिंस, अभी लगता है ब्रॉक। नेक्स्ट टारगेट रोमन का ब्रॉक लेसनर मुझे दिख रहे। चल तू चले जा यार, अरे ये कोई जा क्यों नहीं रहा बाहर। हाँ मारो दोनों मिलके, अकेले मारने की तो औकात नहीं है ना। अरे सॉरी रोमन, लैशली को पर टारगेट करना था मेरे को। अरे यार देखा दोस्तों 10 लोगों में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर मैं 30 लोगों का लगाता मेरी तो कसम से फट जाती, फट के हाथ पे आ जाती। ये देखो ब्रॉक भी बाहर नहीं जा रहा, उधर पॉलेमन बाहर नहीं जा रहा। अरे भाई रॉयल रंबल है, कोई तो बाहर जाओ, मुझे लगता है मैं ही बाहर जाने वाला हूँ भाई। मैं कसम से कहता हूँ पॉल एमन ने मुझे निकाला, चैनल डिलीट, चैनल के ऊपर आ चुका है। हाँ एक नंबर रोमन, चैनल डिलीट करेंगे मेरे। हाँ चैनल, दो बातें मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था अगर पॉल एवन मुझे एलिमिनेट करेंगे तो मैं चैनल डिलीट मारूंगा, पॉल एवन ने मुझे एलिमिनेट नहीं किया, मैंने पॉल एवन को एलिमिनेट किया, यानी कि पॉल एवन डिलीट हो चुके हैं और ब्रॉक लेसनर से पीछे से वार किया है। ये देखो भाई सुप्लेक्स सिटी और उसके बाद एफ आई, मुझे मत कहना है इससे भी ब्रॉक लेसनर जीतेगा भाई, कल भी चेंबर में ब्रॉक ही नंबर वन में आके जीता सोचो। हाँ हाँ चलो, अरे बाहर नहीं फेंका यार, मुझे लगा बाहर फेंक देगा, स्टंड है ना रोमन, हेल्थ भी नहीं है रोमन के पास। रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर फिर से बड़े स्टेज में एक दूसरे को मिलते हुए, हालांकि मुझे मिलना था पर वो हुआ ही नहीं कभी, वो सपनों में रहेगा मेरा। तुम लोग ही सोचो भाई, मैंने 10 सुपरस्टार लेके खेलने का सोचा कि जीतू आज, 10 में भी दो बार हारा मैं कसम से, 30 में तो छोड़ ही दो मैं कभी जीत पाऊंगा, मुझे तो लगता नहीं है कि मैं कभी जीतूंगा भाई। मुझे जीतने के लिए ना खुद को ट्रेन करना होगा बहुत ज़्यादा। हाँ वो तो है कि मैं लेजेंडरी लेवल में खेलता हूँ, अगर नॉर्मल में खेलूंगा तो ऐसे ही हरा दूंगा, पर वो मज़ा नहीं है ना यार। आपको गेम हो या लाइफ हो तभी मज़ा आएगा जब सामने वाला भी टफ हो, अगर सामने वाला आपसे थोड़ा ईजी हो तो आपको मजा क्या लाइफ जीने में, है ना। फेंक दे रोमन बाहर, कल ही ब्रॉक जीता था, आज भी जीतेगा तो बहुत ही बुरा होगा ब्रॉक लेसनर के साथ। हालांकि ब्रॉक मेरे फेवरेट सुपरस्टार है पर नहीं, गेम में इक्वलिटी होना चाहिए। फेंक दे बाहर रोमन, कम ऑन। हाँ अरे भाई एक तो मुझे ये सर्दी हो गई है ना, बोलने में नहीं हो रहा ढंग से, उसके ऊपर इतना रुला दिया है मुझे। पर कसम से भाई अगर पॉल लेमन मुझे एलिमिनेट करता इतने सुपरस्टार में, रोमन रॉक जॉन सीना इतने बड़े बड़े सुपरस्टार से,
और अगर मुझे पॉल लेवल एलिमिनेट करता ना, मैं कसम से यूट्यूब चैनल डिलीट मार देता भाई। और दोस्तों यूट्यूब चैनल से भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, 1K तक पहुंचना है जल्दी से, फिर हम स्ट्रीम करेंगे। ये लोग का कितना लंबा मैच होगा यार, ये देखो रिवर्स 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 दोनों स्टंट के आ चुके, एक दो मूव मारेंगे स्टंट हो जाएंगे। और लगता है मुझे कि नहीं, अरे यार जल्दी मैच खत्म करो। हाँ ब्रॉक स्टंट है, रोमन बाहर फेंक दे, मौका था तेरे पास, जल्दी फेंक जल्दी फेंक, मौका है अभी भी स्टंट है भाई। ये लोग मुझे लगता नहीं है कि 1 घंटे तक मैच खत्म करेंगे, सिंपल सिंपल मूव मार रहे। अरे भाई तुम लोग रॉयल रंबल खेल रहे हो, बहुत ही गलत सुप्लेक्स दिया है। और इसी के साथ ब्रॉक ने रोमन को स्टंट कर दिया है, पर रोमन रिंग्स बाहर जाएंगे अभी। अरे बाहर करो यार कसम से, इतना लंबा मैच क्यों करना है। मेरे को लगता है ना मैं ही अभी किसी को लेके खेलूं और जिता दूं उसको हार। अरे कोई तो जीतो भाई, ये लोग तो नॉर्मल मैच खेल रहे क्या। अरे इनको कोई बताओ कि रॉयल रंबल मैच है जल्दी खत्म। हाँ एक तो ये लोग रिवर्सल में रिवर्सल करे जा रहे हैं, ब्रॉक दो फिनिशर एक सिग्नेचर, ये देखो। अरे अभी रोमन ने ब्रॉक को बाहर कर दिया था, पता है ब्रॉक ने रिवर्स किया, लगता है रोमन स्टंट होने वाले हैं, एक मूव और। अरे यार ये लोग तो बाहर ही नहीं जा रहे यार, 1 घंटा हो गया मैच खेल के। हाँ रोमन अभी स्टंट है, ब्रॉक प्लीज बाहर कर दे यार। मुझे लग रहा था पहले कि ब्रॉक हार जाए, अभी अभी कोई तो जीतो, 1 घंटे से मैच चालू है। हाँ बाहर फेंक बाहर फेंक बाहर फेंक दे बाहर फेंक दे बाहर फेंक दे। अरे क्या बच्चा है क्या तेरा, गोदी में लेके जा रहा है, अब फेंक दे रोमन प्लीज, फेंक दिया। चलो भाई अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ब्रॉक क्यों जीते, कम से कम मैच तो खत्म हुआ। 1 साल से मैच चालू है, पता नहीं कौन, जब वो 5-6 सुपरस्टार थे तभी से कितना लंबा मैच चला है भाई। ये बॉबी लैशली और पॉल हेमन जब थे 1 घंटा मैच चला है पूरा। तो दोस्तों मैं जीतने वाला था, पर वो बोलते हैं ना वो वक्त बदल गया जज्बात बदल गया, वो सीन हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैंने पॉल हेमन को एलिमिनेट किया और ब्रॉक लेसनर ने मुझे पीछे से वार किया। ब्रॉक ने कितनों का एलिमिनेट किया यार, ब्रॉक ने मुझे किया, रोमन को किया, सेट को किया, जॉन सीना को किया, था 10 सुपरस्टार का, आर्दा को तो ब्रॉक ने एलिमिनेट किया है। ब्रॉक लेसनर पागल हो चुके हैं, कल भी क्या कहते हैं एलिमिनेशन चेंबर, अगर आप नहीं देखा है ना वीडियोस में जाके देख लो भाई, ब्रॉक ने कल भी कांड किया था मेरे साथ, आज भी कांड किया है ब्रॉक ने। को लगता है सिंगल मैच में मुझे बहुत मारना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों ये तो हमारा आज का वीडियो, फिर से हम हार चुके हैं 10 को लेकर, पर जब मैं 30 सुपरस्टार को लेकर खेलूंगा तो उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।